वीडियो में हम बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के केस नंबर थर्ड के एग्जांपल नंबर सेकंड की। लास्ट वीडियो में हमने केस थर्ड का एग्जांपल फर्स्ट सीखा था कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट किस तरीके से होगी। अब एग्जांपल सेकंड की बात करते हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर हैं एक फर्म में जो कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4:3 की रेशियो में। दे एडमिट जेड ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। जेड को न्यू पार्टनर बनाते हैं 1/4 शेयर के लिए जो कि वो एक्वायर करेगा 3/5 फ्रॉम एक्स एंड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम वाई। मींस अपने शेयर का 3/5 क्लियरली लिखा है 3/5 ऑफ हिज शेयर एंड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम वाई। जैसा कि केस एग्जांपल फर्स्ट में था, एग्जांपल में फर्स्ट में भी यही सेम सिचुएशन थी लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिखने का तरीका डिफर था। जैसे कि उसमें लिखा था विच ही एक्वायर्स फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:2। अभी इसी चीज़ को मैंने दूसरी सेंस में लिख दिया विच ही एक्वायर्स 3/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स। अपने शेयर का 3/5 एक्स से लेगा और अपने शेयर का ही 2/5 जो है जेड एक्स वाई से लेगा। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन सिमिलर रहना है, बस स्टेटमेंट डिफर है। एक्स वाई पार्टनर थे 4:3, जेड का शेयर 1/4 है, जेड एक्स से कितना लेगा उसने क्लियरली कहा है 3/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का यानी कि 1/4 का 3/5 3/20। और जेड वाई से कितना लेगा, अपने शेयर यानी कि 1/4 का 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो इसलिए उसने अपने ही शेयर का 2/5 किया 2/20, वो किससे ले रहा है वाई से। तो एक्स का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, एक्स का ओल्ड शेयर माइनस में जितना उसने जेड को सेक्रीफाइज कर दिया माइनस 3/20, वही सेम जैसा कि एग्जांपल फर्स्ट में था 59/140। वाई का न्यू शेयर, वाई का ओल्ड शेयर 3/7 माइनस 2/20 जितना वाई ने सेक्रीफाइज किया जेड को 46/140। एक्स और वाई दोनों के न्यू शेयर आ गए हैं। जेड का न्यू शेयर क्योंकि वो न्यू पार्टनर है वही शेयर उसका न्यू शेयर है 1/4। तीनों को हम अगर प्रोपोर्शन में रखते हैं 59/140 46/140 एंड 1/4, तो एलसीएम लेने के बाद जो रेशियो आएगी 59, 46 और 35 जैसा कि एग्जांपल फर्स्ट में भी आई थी, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पर हमने डिफरेंट रखी है। फिर सेक्रीफाइजिंग रेशियो की बात करें, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो 4/7 न्यू रेशियो 59/140, एलसीएम लेके माइनस करेंगे 21/140। वाई के केस में 3/7 ओल्ड रेशियो 46/140 न्यू रेशियो, एलसीएम लेके माइनस करेंगे 14/140। सेक्रीफाइजिंग रेशियो को प्रोपोर्शन में रखेंगे एक्स और वाई के, डिनोमिनेटर सेम है, रेशियो वही रहेगी जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है 21 प्रोपोर्शन 14, 7 की कॉमन टेबल से डिवाइड करेंगे 3:2। जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था कि 3/5 वो एक्स से ले रहा है और 2/5 इस प्रोपोर्शन में ले रहा है वो, तो आप अगर देखो तो यही उनकी सेक्रीफाइजिंग रेशियो थी। जैसा कि थर्ड केस की आइडेंटिफिकेशन है कि जो स्पेशल प्रोपोर्शन होता है वही सेक्रीफाइजिंग रेशियो होती है।